अगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या हम लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल में आ जाते हैं या ऐसी चीज़ों के टच में आ जाते हैं जो उनके लिए फ्यूचर में गलत हो चुकी है। लेटेस्ट अभी हमने जो देखा है, इन स्टूडेंट्स ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ये चीज़ नहीं जानते कि उनका इम्पैक्ट क्या है। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि कोई सोसाइटी उनकी, जो चाहे वो स्कूल में है, वैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं लड़के जब हमारे 10th 11th 9th 12th में जब स्टूडेंट्स होते हैं, हम में भी काफ़ी लेवल ऑफ एनर्जी होता है, उसको डायरेक्शनल और पॉजिटिव वे से यूज़ कीजिए। आप अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं उसकी तरफ जाइए, ठीक है। अगर आप एक अच्छे कुछ भी आप में अगर लगता है कि मैं ये काबिलियत है, मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको उसको करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि मैं किस गाँव से हूँ, मैं किस घर से हूँ, इसके बारे में कभी कर सकता हूँ। अपनी जो भी काबिलियत है आपको लगता है मैं इसमें काम कर सकता हूँ, या मुझे इसमें गाइडेंस लेनी चाहिए किसी से, या मुझे कुछ भी इसमें हेल्प चाहिए, तो आपको उस पर वर्कआउट करना चाहिए। साथ में अपनी पढ़ाई को रख करके आपका स्कूल ही है, जो अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना होगा, काफी कॉम्पिटिशन होते हैं इंटर स्कूल, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसका जो शुरुआत होती है वो स्कूल से होती है, और स्कूल में हमारा जो स्कूल डेज होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे होती है। तो मेरा आप लोगों से मिलने का जो मकसद था कि मैं चाहूँ किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ, किस तरह से आपको एक अच्छा एक रोल मॉडल की तरह या एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह हम आपको गाइड कर सकें। स्कूल में आप सब लोग जब आते हैं पढ़ने के लिए, हमारा मकसद मेन चीज़ होता है अच्छी पढ़ाई करना, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों की हर तरह की डेवलपमेंट होती है। हर तरह की डेवलपमेंट एक समाज में रिस्पॉन्सिबल बंदा बनने के लिए, एक समाज में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए स्कूल हमें हर चीज़ वो प्रोवाइड करता है। जब हम स्कूल में होते हैं, मेन मकसद जो स्टूडेंट्स का होता है कि अच्छी पढ़ाई करके, अपने टीचर्स का आदर करके, अपने पेरेंट्स को अच्छे इज्जत दे करके आगे बढ़ने का, लेकिन ये किस तरह से किया जाए। अक्सर हम जब स्कूल डेज में होते हैं, हम किस तरह से करें और कैसे आगे बढ़े, ये प्रॉब्लम्स रहती है। एक बच्चा जब स्कूल आता है घर से, शायद उसके घर में वैसा कोई मार्गदर्शक ना हो, वैसा कोई इंसान ना हो उसके सोसाइटी में जिससे उसको गाइडेंस मिल सके कि मुझे क्या करना है लाइफ में, किस तरह से आगे बढ़ना है। जैसे हम हैं, आपके प्रिंसिपल सर हैं, आपके जितने भी टीचर्स हैं, इन्होंने भी आपका वक्त देखा हुआ है, इनकी भी कुछ एस्पिरेशन थी, इन्होंने मेहनत की और वो अचीव किया। तो मैं इस तरह से आप लोगों को कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सके। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जो लाइफ है एक लॉन्चिंग पैड है, एक शुरुआत है एक करियर के लिए। जो 9th और 10th के बच्चे हैं वो 11th और 12th में अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे वो एक तरह से उनके करियर की डायरेक्शन चली जाती है कि उन्होंने आगे क्या करना है। तो आपकी जो स्कूल का जो भी आपका टाइमिंग है, स्कूल की जो भी स्टडीज है, इसको हमेशा सीरियसली पढ़ा करें। सीरियसली पढ़ने का मतलब है जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उसको सीरियसली देखा करें, उसको समझा करें। ये आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आज की डेट में जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं कर सकता और लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ सकता है। जरूरी ये नहीं है कि आप एक अच्छे पढ़ने के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप में एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज हैं, अगर एक आप में अच्छे एक स्पोक पर्सन की क्वालिटीज हैं, अगर आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आप में कोई भी क्वालिटीज है उसको भी डेवलप